उत्तराखंड में राजभवन ने 17वें राजभवन गोल्फ प्रतियोगिता से पर्दा उठा लिया है। गोल्फ मैदान में 24 से 26 मई तक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के लगभग 115 गोल्फर हिस्सा लेंगे। कार्टन रेंजर ने प्रेस को संबोधित करते हुए राज्यपाल उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य ने कहा कि गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता में अच्छी अच्छी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि 99 वर्षीय गोल्फर स्क्वाड्रन लीडर मजीठिया भी गोल्फ प्रतियोगिता में आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उन्होंने बताया कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और सुपर सीनियर उम्र और महिला ग्रुपों के अलग अलग सेक्शन में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन का ये प्रयास है कि नैनीताल में पर्यटन बढ़े। उन्होंने कहा कि नैनीताल में पर्यटन के बढ़ने से राजभवन का भी राजस्व बढ़ेगा और गोल्फ के खिलाड़ी भी इसका आनंद उठा सकेंगे। राजभवन गोल्फ क्लब के कप्तान हरीश चंद्र शाह ने बताया कि गोल्फ कोर्स 1926 में स्थापित हुआ था और ये देश के 6 पुराने गोल्फ कोर्स में शुमार है। पहाड़ी में बने होने के कारण चुनौतीपूर्ण है। गोल्फ कोर्स के चारों तरफ से 400 साल पुराने देवदार के पेड़ हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 स्कूलों समेत कुल 4 प्रतियोगिताएं होंगी। देखिए, राजभवन की तरफ से तो लगातार प्रयास रहते हैं कि हमारा पर्यटक बढ़े। पर्यटक बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो यहाँ खुशहाली और ज्यादा होगी। गोल्फ खेलने वाले तो आएंगे ही, उनके साथ उनके परिवार के लोग आएंगे, उनके मित्रगण आएंगे, उनके रिश्तेदार आ सकते हैं। वो जाके जब बताएंगे कि हम एक कितनी खूबसूरत जगह गए और सबको जाना चाहिए, तो एक टूरिस्ट से जोड़ने का एक अच्छा अवसर है हमारे पास और उसी की हम पहल कर रहे हैं। संवाद 360 के लिए नैनीताल से समीर साह की रिपोर्ट।